है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। गाइस, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा डल फील करती है, रूखी सूखी बेजान लगती है, फटी फटी फील होती है। ये सबके साथ ज़्यादातर होता ही है। तो अगर आपको भी लगता है कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन पर कोई शाइन नहीं रहती, स्किन बहुत ज़्यादा डल फील करती है, तो ये DIY रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है, स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस DIY रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको ऐड करना है व्हीट फ्लार यानी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा सबके घर में अवेलेबल होता है और ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इसमें एक चम्मच गेहूं का आटा ऐड कर लीजिए। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है बेसन। बेसन स्किन से दाग धब्बे, झाइयाँ, टैनिंग को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को वाइटन, ब्राइटन और ग्लोइंग बनाएगा। बेसन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बेसन क्या होता है कि आपकी स्किन पर DIY फेस वॉश का काम करता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर यानी संतरे के छिलके का पाउडर। संतरे के छिलके को घर में सुखाकर भी आप इसका इजीली पाउडर बना सकते हैं, मार्केट से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चम्मच वो ऐड कर लीजिए। अब आपको तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तीनों चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एक स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको इसमें इतना ऐड करना है ताकि एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। रोज़ वाटर हमारे स्किन के pH लेवल को बैलेंस करता है जिससे आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइटन होगी, ग्लोइंग होगी और शाइनी होगी। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपको ध्यान रखना है कि इस पैक में कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, बहुत स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पार्लर जाकर महंगे महंगे फेशियल कराने की बजाय अगर आप घर के बने नेचुरल यूज़ करोगे तो इससे स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और स्पॉटलेस स्किन मिलेगी। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मेरी DIY रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है और इसमें कोई लम्ब्स भी नहीं है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपको देखिए इस तरीके से स्मूथली मसाज करते हुए इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है, ज़ोर ज़ोर से अपने फेस को बिल्कुल नहीं रगड़ना है। ये देखिए इस तरीके से मसाज के साथ साथ आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। आपको बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा कि डेड स्किन रिमूव हो जाएगी अगर आपकी स्किन में डेड स्किन है तो, साथ ही साथ आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा जिससे आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा। तो देखिए इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लीजिए और उसके बाद जब ये पैक अच्छे से सूख जाए कम से कम 20 से 25 मिनट बाद, तब आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक मसाज करें। इससे क्या होगा मसाज करने से कि आपकी स्किन में जितने भी दाग धब्बे हैं, डार्कनेस है, टैनिंग है, वो रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रही है स्किन। अगर आपको भी लगता है कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल फील कर रही है, स्किन पर कोई शाइन नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा फटी फटी रूखी सूखी बेजान लग रही है, तो ये पैक ज़रूर ट्राई करें। ये आपकी स्किन पर फेस वॉश की तरह काम करेगा, स्किन की सारी गंदगी दूर हो जाएगी और आपको वाइटन, ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हो तो इस पैक को कम से कम वीक में 3 से 4 बार ज़रूर ट्राई करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ।